नमस्कार दोस्तों, एसके न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, एमआई का जो टोकन मिलता है उसके यूज कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जो एमआई हम कोई भी जैसे कोई भी सामान वहाँ से हम ख़रीदते हैं MI.com से या फिर MI के एप्लीकेशन से, तो 10% हमें उसका टोकन मिलता है। जैसे 10,000 की चीज़ है तो उसका मुझे 1,000 टोकन मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना MI अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा अभी 266 टोकन है। तो इन टोकन को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक विनती है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो हर रोज़ इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ, आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत जो है देख पाएँ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है टोकन में, और टोकन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है 300 एक्सेसरीज कूपन, 200 एक्सेसरीज कूपन, 100 एक्सेसरीज कूपन, 500, 1000। तो इनका मतलब क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ आप आज। तो ये जो 200 लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, तो इसका 200 एक्सेसरीज कूपन, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कूपन कुछ नहीं, ये एक तरह से ये मान लीजिए कि 200 रुपये आपको मिल जाएंगे, 300 रुपये मिल जाएंगे, 500 रुपये मिल जाएंगे, या 100 रुपये लिखा हुआ है 100 कूपन, 300 रुपये मिल जाएंगे, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। ये जैसे आप ये 100 कूपन आप रिडीम कर लेते हैं यहाँ से, आपको दबाएंगे, और मेरा अभी जो टोकन इतना नहीं है, ये रिडीम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे मेरे दोस्तों जी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा टच जो है शो कर रहा होगा आपको नीचे कोने में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप जब दबाएंगे, अगर आपका 2499 टोकन मतलब 2500 के आसपास टोकन है, तो आप यहाँ पे दबाएंगे तो ये 100 टोकन जो है रिडीम हो जाएगा, 100 कूपन। 100 कूपन का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। अब 100 रुपये मिल जाएंगे, उसके बाद इसमें डेट होती है दोस्तों 2-3 दिन का, 3-4 दिन का ऐसे डेट होता है इसमें। आपको जब रिडीम करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा और नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका इतने दिन तक वैलिड है। अब इसके बाद आपको एक्सेसरीज में जाके यहाँ पे कोई भी एक्सेसरीज जो है आप ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 500 की एक्सेसरीज 499 और 499, इन सब में जो है ये कूपन यूज़ नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये कूपन यूज़ करने के लिए आपको जो है 750 रुपये से ऊपर का जो सामान होगा उसमें आप ये कूपन जो है यूज़ कर पाएंगे। 750 रुपये देख लीजिए, मैं यहाँ पे कोई भी ये 999 का हेडफोन है, मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड टू कार्ड, एक कार्ड में जो है ऐड हो गया यहाँ पर ऊपर देखिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे देखिए 999 रुपये का ये एयरफोन है। तो चेकआउट पे क्लिक करते हैं, पावर बैंक रिमूव होने के लिए कर रहा है, तो पावर बैंक मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे चेकआउट करता हूँ। चेकआउट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलाउबल कूपन 200, तो 999 रुपये इसका रेट था प्राइस। और उसके बाद देखिए कूपन का जो है माइनस हो गया 200 रुपये, उसके बाद फ्री डिलीवरी और 799 रुपये मुझे देने हैं। अब उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना है, और उसके बाद यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अगर आपके में ओपन इनेबल है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे दोस्तों, अब मैंने 999 जो सामान था उसको मैंने दिखाया था, मैं 499 जो सामान है इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 499 वाले क्लिक किया, ऐड टू कार्ड हो गया, उसके बाद ऊपर क्लिक करने के बाद चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है जो 200 कूपन का अपने आप वहाँ पे आ जा रहा था,
यहाँ पे जो है 200 कूपन अपने आप नहीं आ रहा, मतलब 200 कूपन मैं इसमें यूज नहीं कर सकता हूँ। मैं 750 रुपये का ऊपर जो सामान होगा उसमें ही 200 कूपन जो है 200 300 400 500 100 जो भी है, तो 750 रुपये का सामान जो है रहेगा उससे ऊपर का रहेगा तब आप यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा, इसलिए मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा इसी के ऊपर, जो कि एफ कोड के बारे में होगा और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन क्यों नहीं आता, ये सब चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को, और हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।